न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कोविड-19 की जो महामारी दुनिया में फैल रही है उसका दुनिया पे क्या असर पड़ा है और हिंदुस्तान में इसका क्या स्थिति है। तो पहले हम इसको इस पे देखेंगे कि किस तरह से दूसरे देशों में और हमारे देश में किस तरह से ये कोविड-19 पैंडेमिक फैल रही है। आइए देखते हैं कि आपके जो चार्ट हमारे जो चार्ट बनाने वाले हैं, जो डेटा एनालिटिक्स करते हैं, उन्होंने जो बनाया है वो हम आपके सामने पेश करते हैं। ये है चार्ट जो दिखाता है कि 100 दिन के बाद, नहीं 100 लोग जब इसके शिकार हुए हैं, उसको अगर हम जीरो डेट माने उस देश के लिए, मतलब पहला कोविड-19 के 100 पेशेंट्स जिस दिन में है उसको हम शुरुआती दिन अगर माने, तो हर देश जो इस चार्ट में है वो हम देखेंगे कैसे इसके बाद उसकी नंबर्स में बढ़ोतरी हुई है। इससे हमें क्या पता चलता है कि हम किन देशों से पीछे हैं और किन देशों के आगे हैं। इस वक्त अगर हम देखें तो इटली, क्योंकि चीन बहुत पहले इस दौर से गुजर चुका है, हम चीन को इस चार्ट में नहीं लाए, अगर इस चार्ट को देखें तो इटली इसमें सबसे आगे है और दूसरे सब देश इटली के पीछे है। तो इसमें हम देखेंगे कि इसको लॉग चार्ट बोलते हैं, कि जो इसकी वाई एक्सिस है, जो ये एक्सिस है, ये लॉग चार्ट का मतलब 1,000, 10,000, 1,00,000, इस तरह से इसकी नंबर्स यहाँ पर आप देखेंगे। तो इससे हम देख पाएंगे बड़े मात्रा में लोगों की जो बीमारी हुई है उसका एक हमको अच्छी तरह से देखने को मौका मिलता है। तो अगर हम देखेंगे तो इसपे हम डॉटेड लाइंस भी बनाए हैं, जो डॉटेड लाइंस इंडिकेट करता डबलिंग कितनी तेजी से हो रहा है। तो डबलिंग रेट क्या है? डबलिंग रेट यह है कि अगर 100 लोग बीमार है तो 200 में कब पहुंचते हैं, 400 में कब पहुंचते हैं, 800 में कब पहुंचते हैं, इसको डबलिंग रेट कह रहे हैं, क्योंकि बीमार लोग किस रफ्तार से डबल हो रहे हैं, इसको अगर हम देखें तो किस रफ्तार से ये कोविड-19 फैल रही है उस देश में उसका एक अंदाजा होता है। तो अगर हम देखें यहाँ पर देखेंगे डबलिंग रेट मुल्क देशों को, शायद पहला जब हम पकड़ते हैं तब ज्यादा होता है, क्योंकि उस वक्त हमारी पहले जो नंबर्स है वो कुछ हद तक पुराने नंबर्स भी होते हैं। टेस्टिंग से हमको पता चलता है कि ये लोग पहले बीमार थे पर बाद में हमें पता चला, तो इसीलिए अब देखेंगे इस दौर में थोड़ा ज्यादा रफ्तार से होता है, इसके बाद एक स्टेडी रेट पे वो बढ़ता है, इसके बाद जब लॉकडाउन होता है, दूसरी कार्रवाई होती है, तो कर्व फ्लैटन होने लगता है। देखिए इटली, जिसको हमने कहा कि सबसे पहले था, अब देखेंगे पहले तेजी से बढ़ा, इसके बाद ये ऑरेंज लाइन है, देखेंगे फ्लैट होना शुरू हो गया, अब जो है वो पहले जैसे तीन दिन से भी आगे थे, ढाई दिन में डबल कर रहे थे, इसके बाद 3 दिन में आए, इसके बाद 4 दिन में आए, अब 5वां दिन की तरफ बढ़ रहे हैं, कि मतलब एक हिसाब से उन्होंने इस महामारी पे काबू पा लिया है। अगर अमरीका को देखें जो इस वक्त बहुत काफी तेजी से बढ़ रहा है, इस पे भी देखेंगे पहले से रफ्तार कुछ धीमी हुई है, मतलब वो फ्लैटनिंग की तरह है, पहले 2.5 दिन में वो डबल कर रहे थे, अब करीब 3 दिन में ये डबल कर रहे हैं। अगर ईरान को देखेंगे आप देखेंगे वो 4 दिन से भी नीचे आ गया है, 5 दिन की तरफ बढ़ रहा है, मतलब उन्होंने एक हद तक अपनी जो महामारी है उस पर काबू पा ली है। अगर यूनाइटेड किंगडम को देखेंगे अभी भी काफी रफ्तार से बढ़ रहा है। हिंदुस्तान और मलेशिया दो देशों को हमने इसीलिए कंपेयर किया कि मलेशिया पहले इटली से करीब 13 दिन पीछे थे, जब हमने इस आंकड़ों को एक साथ लाने की कोशिश की, उस वक्त हिंदुस्तान भारतवर्ष उस मलेशिया के काफी नीचे था। इस वक्त अगर देखें तो मलेशिया काफी हद तक अपने इस महामारी पे काबू पा लिया है, वो अभी 4 दिन से लेकर 5 दिन में पहुंचे और अभी जो है वो 5 दिन के भी नीचे आ रहे हैं, मतलब उनकी संख्या बहुत तेजी से नहीं बढ़ रहा है। हिंदुस्तान को अगर देखें, भारतवर्ष को अगर देखें कि हमारा डबलिंग रेट अभी भी 4 दिन के लगभग है, और यही
पिछले 10-15 दिन से था, और इस वक्त हम मलेशिया की पीछे होने के बावजूद नंबर ऑफ डेज में हम नंबर ऑफ पेशेंट्स में हम मलेशिया से आगे बढ़ चुके हैं। तो ये जो चीज तस्वीर है, इससे साफ पता चलता है कि आप महामारी की किस स्थिति में है, क्योंकि हमारे यहाँ लॉकडाउन 2 हफ्ते पहले हुआ था। फ्लैटनिंग अगर कर्व पे हमको देखना है तो शायद अगले 1 हफ्ता 10 दिन में हमको पता चलेगा कि हमारा कर्व फ्लैट होने की तरह चल रहा है या उसी अंदाज से बढ़ रहा है जो पिछले दिनों बढ़ रहा था। अगर इस बढ़ोतरी का रहा तो हम भी शायद दूसरे मुल्कों की तरह कि कुछ ऐसे हालात में पहुंचेंगे जहां संख्या काफी बढ़ जाएगी। अगर बढ़ जाती है तो अस्पताल वगैरह में इसके लिए बहुत परेशानी हो सकती है, क्योंकि अस्पताल की कैपेसिटी जो है उससे अगर ज्यादा पेशेंट्स होते हैं तब उनको देखभाल करना संभव नहीं होता है, तब डेथ रेट जो होता है वो बढ़ जाता है, जो इटली में हुआ, अमेरिका में हुआ, फ्रांस में हुआ, स्पेन में हुआ, और जर्मनी में क्योंकि उस रफ्तार से नहीं बढ़ा इसीलिए वो उस डेथ रेट पे काफी नियंत्रण रख पाए। अब हम चलते हैं इस चीज को देखने कि हिंदुस्तान में हालात क्या है। तो ये जो चार्ट है ये दिखाती है किन किन जगहों पे हमारे यहाँ भारतवर्ष में कितने लोग इस बीमारी के इस वक्त शिकार है। जो सरकारी सूत्रों के अनुसार जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की जो वेबसाइट है उसमें जो फिगर्स है उसके मुताबिक अभी टोटल कंफर्म केसेस का मतलब जो पहले से अभी तक जितने लोग बीमार हुए हैं उसकी संख्या करीब 5,200 के लगभग है, और इसमें कुछ लोग अभी तक रिकवर कर गए हैं और करीब 150 लोग अभी इसमें मर चुके हैं इस महामारी के कारण से। जो इस पे फिगर देखने लायक है कि पिछले 24 घंटे में करीब 775 के लगभग लोग इसकी शनाख्त हुए हैं कि ये इन्फेक्टेड है, और इसीलिए एक तेजी आई है अभी भी हमारे फिगर्स में, हम उसकी फ्लैटनिंग की ओर नहीं बढ़ पा रहे हैं। अगर देखें तो क्लस्टर्स है, इसमें क्लस्टर्स कुछ हद तक जहां जहां पर लोग एक दूसरे को इन्फेक्ट किए, एक हॉट स्पॉट्स कह सकते हैं, ये भारतवर्ष में है। अब देखेंगे काफी प्रदेशों में इस तरह के हॉट स्पॉट्स देखने को मिल रहा है, मुंबई में है, दिल्ली में है, बड़े शहर जो है उसमें है, पर और भी जगहों पे इस तरह का हॉट स्पॉट्स देखने को मिल रहे हैं, और इस पर काबू पाने के लिए उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और उनके दूसरे लोगों को देखने की जरूरत है। मैं आपको आखिरी स्लाइड जो बताना चाहूंगा वो ये है कि टेस्टिंग हमारे यहाँ अभी किस रफ्तार से चल रही है। अभी भी जो WHO ने कहा है कि बड़े पैमाने पे टेस्टिंग करने की जरूरत है, हम उस रास्ते पे अभी भी नहीं है। हमारा टोटल टेस्ट संख्या अभी तक पहले से आज तक 1,14,000 है, तो बहुत ही कम संख्या है। अगर देखें दुनिया में पर मिलियन कितने लोग टेस्ट हो रहे हैं, हम काफी नीचे है, बहुत सारे देशों के नीचे है, और मलेशिया, वियतनाम, इन देशों की क्योंकि हमारे करीब करीब उसी स्थिति में है उससे भी हम काफी नीचे है। वियतनाम इस वक्त एक भी बीमार नहीं है, नया केस उनको नहीं मिला है। तो ये जो चीज है कि हम टेस्टिंग अगर बड़े पैमाने पर नहीं करेंगे तो हॉट स्पॉट्स हमको पता नहीं चलेगा, और हॉट स्पॉट्स पता करने के लिए अगर हम इंतजार करेंगे कि इन्फेक्टेड लोग अस्पताल आए इसके बाद हम उनकी टेस्टिंग करें, उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करें, तो इससे शायद काफी देर हो जाएगी। अभी हमारे पिछले दिन 7 अप्रैल को सिर्फ 12,600 के लगभग टेस्ट हुए हैं। ये भारतवर्ष की इतना बड़ा पॉपुलेशन को देखते हुए ये बहुत कम फिगर है, और इसको बहुत तेजी से बढ़ाने की जरूरत है। तेजी से इसलिए बढ़ाने की जरूरत है कि अगर नया हॉटस्पॉट निकलना शुरू होगा, हम रैंडम टेस्टिंग बड़े पैमाने पे नहीं करते तो नया हॉटस्पॉट को हमें आइडेंटिफाई करना मुश्किल होगा, और जब ये होगा तब हॉटस्पॉट सडनली हमारे सामने आएगा। जैसे हमने तबलीगी मरकज लेके जो हमने कहा है कि नया हॉटस्पॉट जब मिला तेजी से कुछ संख्या बढ़े, पर इसको देखना पड़ेगा कि ये संख्या
और भी हॉटस्पॉट से आ सकते हैं और सब हॉटस्पॉट्स पे निगाह रखना इस वक्त जरूरी है। सिर्फ एक दो हॉटस्पॉट की बातचीत करके हम इस चीज को नजरअंदाज कर रहे हैं कि काफी संख्या अभी COVID-19 बीमारी से इस वक्त आक्रांत है, वो काफी लोग बीमार पड़ रहे हैं और ये सही फिगर्स हमारे सामने तभी आ पाएगा जब बड़े पैमाने पे हम टेस्ट करेंगे और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के साथ साथ रैंडम टेस्टिंग बड़े पैमाने पे करने की जरूरत है। तब हमें पता चलेगा कि और भी लोग और भी हॉटस्पॉट्स कहाँ कहाँ हो सकते हैं। आखिरी बात मैं कहूँगा कि अभी WHO ने सेरोलॉजिकल टेस्टिंग की बात की है, जिस सेरोलॉजिकल टेस्टिंग से एंटीबॉडी पता चलता है, इससे पता चलता है जो लोगों को सिम्टम नहीं था फिर बीमार थे उनको हमें पता चलेगा कि ये लोग जो है अभी पहले ये इसकी बीमारी के शिकार थे, अभी उससे मुक्त पाए हैं, मुक्त हो चुके हैं। तो उनकी बड़ी अहमियत इस वक्त इसीलिए होगी कि वो अगर अस्पताल में दूसरे कामों में लगाए जाए तो उसमें वो दोबारा बीमार नहीं होंगे। खास तौर से जो अस्पताल के कर्मचारी है उनकी अगर सेरोलॉजिकल टेस्टिंग होती है तो पता चल जाएगा कि इनके पास एंटीबॉडीज है और उनको तब रिस्क नहीं होगा कि इस तरह के काम करने में, क्योंकि ये दोबारा इन्फेक्शन नहीं उसमें नहीं होने की संभावना है। करीब एक साल, अभी भी विशेषज्ञ बता रहे हैं, एक साल इस तरह से लगता नहीं कोई बीमारी इनकी फिर होगी। जो और बात हमको इस पे ऐड करना पड़ेगा कि इस वक्त दो चीजें बहुत निराशाजनक है। एक तो आम जनता का रवैया डॉक्टर्स और अस्पताल स्टाफ के प्रति, क्योंकि वो उनको इस नजर से देख रहे हैं कि हमारे मोहल्ले में ये भी बीमारी फैला रहे हैं। तो इसीलिए जो लोग सबसे जरूरी है, जो कि इस लड़ाई में पहले कतार में है, उनको इस तरह इस नजरे से देखना बहुत ही गलत दृष्टिकोण है, बहुत ही क्या कहूंगा, हमारे लिए घातक होगी। क्योंकि ये अगर हमारे पहले शादी में नहीं रहा तो अस्पताल हमारा कोलैप्स कर जाएगा। दूसरी बात कि इनकी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट सरकार की जिम्मेदारी है पूरी तरह से इनको देना, प्राप्त करना इनके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर इनके पास प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नहीं होंगे, जो हमने वॉकहार्ट अस्पताल में देखा, कैंसर अस्पताल में दिल्ली में देखा, कि बड़े पैमाने पे जब जो लोग इस लड़ाई में लड़ रहे हैं उनके पास हथियार नहीं होंगे, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नहीं होंगे, तो पहले वो घायल होंगे तो लड़ाई हम लड़ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए इनके प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट देना सबसे जरूरी है। और अभी भी जो हमारे सामने तस्वीर है उनको फुल बॉडी ड्रेस जो होनी चाहिए इनके पास, गॉगल्स, ग्लव्स और जो मास्क, जो N95 मास्क कहा जाता है, N95 मास्क इनके पास बड़े पैमाने पे नहीं है और इसीलिए ये बीमार पड़ रहे हैं। और हमारे लिए हमारी लड़ाई जो अस्पतालों में लड़नी पड़ेगी जब लोग काफी बीमार होंगे वो हम लड़ नहीं पाएंगे। इसीलिए मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि वो तुरंत इस चीज पे ध्यान दे। अगर ट्रंप शी जिनपिंग से बात कर सकते हैं कि इसके लिए, और वहां हवाई जहाज भेज सकते हैं, वो 22 फ्लाइट भेजने की बात कर रहे हैं जिससे वो एक एक फ्लाइट पे 80 टन की प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट ला रहे हैं, तो हमें भी इस चीज को करनी चाहिए। और उसके साथ साथ टेस्टिंग अगर बढ़ाना है तो बड़े पैमाने पे टेस्टिंग किट्स की आवश्यकता है, वो अगर हमारे यहाँ नहीं बन पा रहा है तो बाहर से लाने की भी जरूरत है, इसकी कोशिश करना चाहिए। चीन से इस वक्त खास संभावना इसीलिए है कि वहां पर वो बहुत टेस्ट किट बना चुके हैं, उसकी कैपेसिटी बहुत है और उस वक्त उनके पास इतनी बीमारी है नहीं। तो दरख्वास्त करूंगा सरकार से इस पर ध्यान दे, न कि हमें ताली बजवाए, लाइट बंद कराए, इस पर ध्यान दे कि प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट डॉक्टरों के पास कैसे पहुंचे, अस्पताल के स्टाफ के कैसे पहुंचे, नर्सेस के पास कैसे पहुंचे और बड़े पैमाने पे टेस्ट किट और टेस्टिंग शुरू करें। क्योंकि हर स्टेट पे हमें 10 15 20 लेबोरेटरीज होनी चाहिए जो ये टेस्ट कर सकते हैं, ना कि सिर्फ 120 या 130 लेबोरेटरी या 150 लेबोरेटरी, जिससे ज्यादा इस वक्त हमारे टेस्टिंग कैपेसिटी लग नहीं रहा है। आज के लिए इतना ही, देखते रहिएगा न्यूज़ क्लिक।